ाहिर गोरा के, 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 के शो में सादिया आपको खुश हूं। आप टैग टीवी के और भारत के जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से के ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पर कैसे असर डालेंगे देखिए कोई भी इलेक्शंस हो दुनिया के किसी हिस्से पे भी उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो उस खत्ते पे ज़रूर असर डालते हैं क्योंकि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं या तो इनकम्बेंट जीतते हैं या अपोजिशन की पार्टियाँ जीतती हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से जो ख़ास तौर पर सिचुएशन है पाँच अगस्त 2019 के आर्टिकल थ्री सेवेंटी थर्टी ए की एब्रोगेशन के बाद ये पहले लजस्लेटिव असम्बली के अलेक्शन हो रहे हैं तो कश्मीर तब्दील हो चुका है 2019 से 5 अगस्त की आर्टिकल्स 370, सेवनटी थर्टी ए के बाद तो क्या वहाँ के हालात भी तब्दील हो गए हैं इसका आ, हमें मिलेगा इन इलेक्शंस में जवाब लेकिन जवाब जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मैं आपको अभी से आ, तजिया करके बताता हूँ तजिया ये है कि देखिए गुज्त पाँच छः बरसों में कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की छोटी चुट छोटी पार्टियाँ भी बनी हैं मगर वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई डेंट डाल सकें या कश्मीर के अंदर कोई ऐसे हालात नहीं हुए जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि जी वो पार्टियाँ डेंट डाल सकेंगी अब देखिए कश्मीर में हुआ क्या पाँच अगस्त 2019 के बाद पाँच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में टेररिज्म स्टोन पेल्टिंग काफ़ी कम हुई है भारत के बारे में जो कश्मीरियों के विचार हैं वो बहुत दुरुस्त हुए हैं उनको अपने आप को कश्मीर अपने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में अब उनको गर्व महसूस होता है फ़ख्र महसूस होता है ये जनरल सिचुएशन है जो हम कनाडा में बैठ के कश्मीरी मंजरनामे के हवाले से देख रहे हैं और इवन जो कश्मीर में हमारे दोस्त बहुत सारे बैठे हुए हैं उनसे भी जब बात होती है तो वो भी यही बताते हैं कि हालात जाहिर ऑफ कोर्स वो नहीं है मुझे याद है पाँच अगस्त दो से पहले यूँ लगता था कि जैसे वो कश्मीर पता नहीं दुनिया का कौन सा इलाका है कोई सीरिया का इलाका है क्योंकि उसमें हर वक्त स्टोन पेल्टिंग ही होती रहती थी तो अब देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है लोग तो कह रहे हैं कश्मीर में कि जी फ़र्क पड़ा है कुछ फ़र्क़ पड़ा है मैं ये कहता हूँ यहाँ बैठ के हम महसूस कर सकते हैं भाई बहुत फ़र्क पड़ा है आप कश्मीर शो करती हैं और उसमें सड़कें गलियाँ मोहल्ले बाजार चहल पहल से भरे हुए हैं एक्टिविटीज़ हो रही है हॉस्पिटल्स बन रहे हैं अच्छा ये सब कुछ नहीं हो सकता अगर स्टोन पेल्टिंग हो अगर पत्थरबाजी हो रही हो गोलियाँ चल रही हो तो कैसे हो सकता है तो ये सारी के सारी डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है अब जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं और जो आ, हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो बेचारे अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हैं आई अंडरस्टैंड और उनका ये ख्याल होता है कि बहुत कुछ बदल जाना चाहिए मैं उनके साथ आ, सिर्फ एहतराम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि भाई पाँच सालों में बहुत कुछ नहीं बदल सकता आ, जो आप तो को करते हैं ये रियलिटी है कि कश्मीर में बहुत कुछ बदला भी है यार ये कम छोटी बात है कि स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही ये कुछ छोटी मतलब बात नहीं आई और वैसे भी पॉलिटिकल प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत स्लो लेकिन दूर रस होने चाहिए और वो हम पाँच सालों में देख रहे हैं कि वहाँ पे तब्दीली है फिजा में लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आई है कि भाई पीस होगा तो फिर ही प्रॉस्पेरिटी मुमकिन है जी वही वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो वो मंजर नहीं भूलते जब ये कश्मीर से खबरें आती थी और उनके साथ खबरें जो थी स्टोन पेल्टिंग की आ, वो हड़तालें हो रही हैं ये तकरीबन हर रोज का मामूल था अब ये आलमोस्ट नहीं है ये हम नगर की बात कर रहे हैं अच्छा फिर टेररिज्म भी बहुत खौफनाक होती थी अभी भी टेररिज्म हो रही है कंसर्न्स uh, हैं वो बिल्कुल ठीक कंसर्न्स हैं लोगों के लेकिन हमें कंपेयर तो करना होगा तब के हालात से और आज के हालात में वो नहीं है अब जो कश्मीरी पंडित हैं या जो मेरे हिंदू बहन भाई हैं ख़ासतौर पर वो ये कह रहे हैं कि भाई आ, कश्मीर में जो भी इकॉनमी का बूम आया या टूरिज्म का बूम आया उसमें भी थोड़ी ऊंच नीच आती रहती है मगर जनरली वो बूम ही चल रहा है अभी तक वो कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा कश्मीरी पंडितों को नहीं है हिंदू बरदरी को नहीं है वो कहते हैं जी ये जो मुसलमान ग्रोह हैं ये अपनी अपरचुनिज़म की वजह से अब बदल गए हैं तो भाई ठीक है अगर वो अपनी अपॉर्चुनिज़म की वजह से बदल गए हैं तो हम ये दुआ करें कि वो बदले ही रहें नंबर वन नंबर दो कोर्स फ़ायदा कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे उसके दस डिस्ट्रिक्स हैं उनमें फ़ायदा ज़ाहिर है मुसलमान कम्यूनिटी को ही होगा क्योंकि रहती वही अक्सरियत में वहीं पर है अब कभी धीरे धीरे हालात बर, बदलेंगे पंडित वापस जाएंगे तो फिर आ, हमारी हिंदू बरदरी भी बढ़ेगी जम्मू में जम्मू में तो हिंदू बरदरी की अक्सरियत एकस, है और वहाँ पर जो हालात हैं वो वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हैं तो मकसद ये है कि अगर ये लोग बदल रहे हैं चाहे वो कश्मीरी मुसलमान ही हैं क्योंकि वो अक्सरियत में हैं उन्होंने उधर ही रहना है अगर ये बदल रहे हैं धीरे 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 तो वो आ, एक खुशाइंद खुश हैं, दूर रस हैं। हा, अगर हा, ये जी, रहे, जी तो ये खुश है अब मैं थोड़ी बात को खींच किया चूंकि बुनियादी सवाल आपका था कि ये इलेक्शन के हवाले से जम्मू कश्मीर का मुस्तबिल क्या नजर आता है तो देखिए इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे जैसा मैंने शुरू में कहा हम ये तो नहीं कर सकते कि जो नई सियासी पार्टियां उभरी हैं वो कोई डेंट डाल सकेंगी अभी जो वहाँ के पोल्स भी बता रहे हैं जो हालात भी बता रहे हैं जो हमारे दोस्त हैं मेरी उनसे भी बात हो रही है वो भी ये बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला की फैमिली की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी की पार्टी के साथ मिलके एक बड़ी लीड लेती नज़र आ रही है अब मुझे मालूम नहीं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से वो कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना सकेंगे ये एक मुश्किल बात है क्योंकि जम्मू में बीजेपी का ज़्यादा होता है असरअंदाज उनका इलेक्शन पे और फिर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और फिर दूसरे लोगों से जाना लोन और इन लोगों की जो पार्टियाँ हैं ये भी कहीं ना कहीं अपने अपने इला के हिसाब से कहीं कोई बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई दू दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना ये शेयर लेके जाएंगे जी लेके जाएंगी और ये दुरुस्त है कि ये पार्टियां दोनों तरफ खेलने वाली हैं ये भारत के प्रो होने का दावा भी करती हैं और फिर इनके कई ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें एकदम से एंटी भी हमें महसूस होती हैं लेकिन रियलिटी ये है कि यही पार्टियां 19-20 के फ़र्क के साथ वहाँ पे अपना अपना शेयर लेंगी और मुझे नहीं लगता आ, कश्मीर के पंडितों की तरह ही आ, मैं भी यहाँ बैठ के एनालाइज कर रहा हूँ कि वहाँ पे शायद कोई मेजोरिटी सरकार बन सकेगी बनेगी गालबन कोलिशन सरकार ही तो उस कोलिशन सरकार के बनने के बावजूद इलेक्शन का प्रोसेस दोबारा से लेजस्लेटिव असम्बली में शुरू हो रहा है तो ये आगे चलेगा फिर ये जो नई पार्टियां हैं वो अपने आप को मज़ीद मजबूत करेंगी फिर ये बड़ी पुरानी पार्टियां जो हैं ये अगर दोबारा आती हैं जैसा कि आती नज़र आ रही हैं अपना शेयर लेती नजर आ रही हैं तो फिर जब ये इनफेक्टिव होंगी अपने वादों में अपनी कार्रवाई में तो फिर ये पीछे हट जाएंगी तो यही है मुस्कबिल कश्मीर का इन अलैक्शनस के बाद तो अब फिर इससे तो ये सवाल उठता है कि अगर इन इलेक्शंस के बाद वही पार्टियाँ वापस इकतदार में आती नज़र आती हैं तो फिर कश्मीर में 2019 के बाद की तब्दीलियों को आप कैसे देखते हैं यानी वो पीरियड जिसके अंदर के वो सब प्रोसेस बदला और चेंज आई उसको देखिए दो के बाद कश्मीर के माइंड में कश्मीर के हालात में कश्मीर की इकॉनमी में कश्मीर के टेररिज्म की आ, कम होने आ, की सिचुएशन में बड़ी अहम तब्दीलियाँ हुई हैं अब आपका ये सवाल है कि अगर यही पार्टियाँ जो अरसा दराज से कश्मीर के लजस्लेटिव असम्बली में छाई रही हैं अगर ये पार्टियाँ फिर से छाई नज़र आएंगी जैसा कि लग रहा है पोल्स बता रहे हैं तो क्या तब्दीली हुई मैं फिर भी इसको तब्दीली कहूँगा क्योंकि हालात में बहुत तब्दीली हुई है अब पॉलिटिकल एरिना में चूंकि कोई तब्दीलियां नहीं हुई थी पॉलिटिकल एरिना में ठीक है छोटी छुट छोटी कई पार्टियां वहाँ पे बनी मगर वो आवाम को अभी अपने साथ जोड़ नहीं सकी आवाम अभी पुरानी बड़ी पार्टियों के साथ जुड़ी हुई हैं कोई हर्ज वाली बात नहीं होती अब आप देखते हैं हम अमरीका में उन्नीस बीस का भी कभी, कभी फ़र्क आता है कभी बेतहाशा फ़र्क आता है पार्टियां तो वहां पे भी दो ही हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन तो ये नहीं होता कि जो आ, सदर रेगन के ज़माने के रिपब्लिकन हैं वो सदर ट्रंप के ज़माने के भी वैसे ही होंगे फर्क होता है तो वी होप सो कि ठीक है तब्दीलियाँ अगर ग्राउंड पे बहुत सारे लेवल्स पे इकॉनमी माइंडसेट टेररिज्म इन सब के लेवल पे अगर तब्दीलियाँ आई हैं तो भले से यही पार्टियाँ अगर दोबारा से इलेक्ट uh, होती हैं और इनको भी इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज जो आज की हैं उनके साथ चलना पड़ेगा अगर ये नहीं चलेंगे तो ये फिर यकीनी तौर पर अगले इलेक्शन में अपना शेयर लूज करेंगे और उनका प्रोसेस जो एक प्रोसेस में पार्टी बनने का एक प्रोसेस भी तो होता है ना आप टाइम ग्रो करते हैं एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके तो फिर वो प्रोसेस भी बहुत मुतासर होता है जब आप उसके रिजल्ट्स नहीं देख पाते हाँ तो वो अब मैं होपफुल हूँ कि ये पार्टियाँ इन पार्टियों से तो मैं होपफुल इतना नहीं हूँ मगर चूंकि वहाँ के हालात से मैं होप बहुत होपफुल हूँ वहाँ के हालात ऑलरेडी 2019 हज़ार उन्नीस पाँच अगस्त के बाद काफ़ी बदले हैं और वो हालात इन पार्टियों को अपना रवैया बदलने पर मजबूर करेंगे अगर ये पार्टियाँ अपने रवैये को ना बदल पाई और वापस चली गई यही रेटरक लेके जी कि हम जब भी कभी आएंगे मेजोरिटी में कहेंगे आ, भारत सरकार से कि थ्री सेवेंटी को रिपील कर दिया जाए अगर इस तरह की टुपट बातें करेंगे तो फिर जो नई पार्टियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं उनका मोमेंटम बढ़ेगा उन नई पार्टियों को अगले इलेक्शन में अपना मुकाम बनाने की गर्ज़ से अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए और ख़ास तौर पर जो सेंटर की सरकार है उनको उनकी मदद करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि जहाँ जम्मू कश्मीर में इतनी तब्दीलियाँ आई हैं वहाँ सियासी मंजरनामे में भी तब्दीलियाँ आएँ तो फिर सरकार को और भारत के स्टेक होल्डर्स को उन पार्टियों की भी मदद करनी होगी और उन पार्टियों को भी अपने काम के मोमेंटम को बढ़ाना होगा वो पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद को सिर्फ फंड रेजिंग या पैसा इकट्ठा करने के हद हाँ तक ना रखें बल्कि इकट्ठे करने की हद हाँ तक अपना मिशन रखें वो होता और है पॉलिटिक्स होना चाहिए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जॉब्स और जो सारा कंटिन्यूटी हुई है उन प्रोग्राम्स की कंटिन्यूटी के होनी चाहिए। आज का बिला तकलफ शो मेरे और ताहे गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्री पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं subscribe tag tv youtube channel and press the notification button